को ये सब संस्थानों को विलयन करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। इसलिए देशवासी हमेशा ये देश इतिहास जब तक है तब तक लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखेंगे, आराधना करेंगे। देश में एकता लाने वाले महान भाव श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल। केवल एकता विलयन करना नहीं, उन्होंने आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अभी आपका जिला कलेक्टर हो, डीसी हो, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, जिला कलेक्टर, आईएएस, आईपीएस, इन ऑर्गेनाइजेशन का भी जो स्वरूप देने वाले, इसका एक आकार देने वाले, आकार का एक प्राकार करने वाले श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल है। इसलिए मित्रों उनका महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने जो मार्गदर्शन को दिखाया देश का, एकता एकता एकता, अंग्रेजों के कारण से उसके पहले जो लोग आया हमारे ऊपर हमला किया उनके कारण से अलग अलग हो गया देश, मगर बाद में हम सब लोग मिलकर आजादी का लड़ाई में श्रीमान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, नहीं तो लाला लजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ऐसा कभी बहुत महान भाव, और बाल गंगाधर तिलक से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक सब लोगों के नेतृत्व में लोगों आगे बढ़े और आपको आजादी मिला। ये आजादी आने के बाद आजादी माने स्वराज्य, स्वराज्य वो राज्य, मगर स्वराज्य को सुराज्य के रूप में बदलना चाहिए। सुराज जहां भूख नहीं, जहां भय नहीं, जहां भ्रष्टाचार नहीं, यहां भूखमरी नहीं है, ये स्थिति लाना उसको कहते सुराज। उसी काम में हमारे लोगों ने, सब लोगों ने लगना चाहिए, देश उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उसी के लिए जैसे बिजली पहुंचाना घर घर तक, सबके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, पढ़ाई, और साथ ही साथ सब इलाके में पानी पहुंचाना वो भी महत्वपूर्ण काम है, और साथ ही साथ महिला, हमारा देश में शुरू से ही महिलाओं का आदर करते, महिलाओं का सम्मान करते, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा परंपरा है। देश का नाम क्या है, देश का कैसा कहते हैं हम लोग, भारत माता, भारत पिता नहीं कहते ना, भारत माता। ये देश में नदियों के नाम देखिए, साबरमती, नर्मदा, तपती, गोदावरी, कावेरी, यमुना, सरस्वती, पिनाकिनी, सब महानदी, सब नदियों के नाम भी महिलाओं के नाम पर रखा है हमारा पूर्वजों ने। क्यों महिला को इतना इंपॉर्टेंस देना, पुराना जमाने में, आपको पुराणों में विश्वास है तो, पुराना जमाने में लोग कहते थे भाई, पुराना जमाने में विद्या मंत्री, शिक्षा मंत्री सरस्वती देवी, पुराना जमाने में रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर पार्वती देवी, पुराना जमाने में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर लक्ष्मी देवी। ये पुराण है, ये पुराण सही है नहीं है उस विवाद में हम पढ़ना नहीं चाहिए, मगर बस जो हम लोग, हमारा पद्धति है आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से, पूर्वजों ने जिया और दिया और विरासत में हमको मिला भारतीयता परंपरा, ये परंपरा में एक भावना है हम सब लोग एक है, वसुधैव कुटुंबम, सब मिलकर जीना, सर्वे जना सुखिनो भवंतु, सबके लिए सुख होना चाहिए, हरेक का सुख दुख में हम भी भाग लेना चाहिए। सरकार अपना काम करेगा, सरकार के साथ हम भी हमारा दायित्व निभाना है। बीच में राजनेताओं के कारण से हमारा जीवन में ऐसा परिवर्तन आया, हर एक काम के लिए हम देखते हैं मंत्री कब आएगा, धारासभ्य कब आएगा, उप मुख्यमंत्री कब आएगा, नहीं तो मुख्यमंत्री कब आएगा, हर एक काम में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, धारासभ्य, संसद सदस्य, नहीं हम भी कुछ करना चाहिए। एक आदत बन गया, सब काम सरकार करेगा, हम बेकार बैठे तो चलेगा नहीं, चलेगा नहीं चलेगा। लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी कोई भी स्कीम सफल हो जाएगा। इसलिए आज का इस शिलान्यास, आज का इस लोकार्पण के कार्यक्रम में आप सब लोग को इसलिए बुलाया, आने वाले दिनों में जो काम हो रहे, काम के लिए आपका भी मदद चाहिए। और इतना दिन के बाद और भी कुछ इलाके में पानी नहीं है, कुछ इलाके में स्कूल नहीं है, कुछ इलाके में बिजली नहीं पहुंचा, ये सबके लिए शर्म का बात है। कुछ इलाके में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, ये नहीं होना चाहिए, इसमें परिवर्तन आना चाहिए। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता अभियान लिया, स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा, ये स्वच्छता केवल कांग्रेस पार्टी, बीजेपी का, नरेंद्र भाई का, नहीं तो नितिन भाई का, विजय रूपाणी का नहीं है, ये स्वच्छता हम सबके लिए है। महात्मा गांधी ने कहा तन से, मन से, धन से, हम सब लोग इस अभियान में भाग होना चाहिए। मुझे आनंद है, मैं पहले थोड़ा सा स्वच्छता विभाग का मंत्री के रूप में भी काम किया है शहरी विकास में, देश भर में एक आंदोलन के रूप में लोग इसमें शामिल हो रहे। साथ ही साथ मित्रों अन्य कामों में पानी रोको अभियान हम सब लोग भाग लेना चाहिए। मुझे उस समय
ग्रामीण विकास मंत्री के नाते मैं एक बार गुजरात आया, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के नेतृत्व में पानी रोको अभियान, चेक डैम्स, इतना काफी संख्या में गुजरात नंबर वन चेक डैम्स का निर्माण करने में गुजरात नंबर वन था। उसके बाद भी जो मुख्यमंत्री आ रहे सब लोग उसी काम में लगे हैं, पानी रोको अभियान ये बहुत जरूरी है। पानी पहुंचाने का अभियान अभी जो हम लोग ने आज शिलान्यास किया ये भी बहुत जरूरी है, और पानी को सदुपयोग करने का काम ये भी सब लोग हम लेना चाहिए। इसलिए मित्रों आज जैसा मैंने कहा ये इसलिए मुझे बड़ी खुशी हो रहा है गुजरात ने इस विचारों का अमल करने का संकल्प से नर्मदा और साबरमती नदियों का जोड़ दिया ताकि ज्यादा किसान भाई बहन लाभ उठा सके। ऐसी और अनुसंधान करने से हमारा देश का हर एक किसान सिंचाई करते हुए और ज्यादा अनाज उगाएंगे और अपना आम धनी बढ़ा पाएंगे और देश के प्रगति में हाथ बढ़ाएंगे। गुजरात के प्रगति के मूल स्त्रोत्र है, देश में प्रगति का मूल स्त्रोत्र गुजरात है। कृषि और उद्योग ये उन्नति का ये व्यक्ति का दो आंख है, कृषि भी चाहिए उद्योग भी चाहिए, इंडस्ट्री भी चाहिए एग्रीकल्चर भी चाहिए, और गुजरात ने ये सफलता से इस अभियान इस काम हाथ में लिया। इंडस्ट्री भी है गुजरात में और खेती भी अच्छा है। अच्छा उदाहरण आप लोगों ने देश के सामने प्रस्तुत किया है, हर एक राज्य को मैं चाहता हूं इन दोनों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हर एक हाथ को काम, हर खेती को पानी, हर खेती को पानी, हर एक हाथ को काम। वर्क टू एवरी हैंड, वाटर टू एवरी लैंड, वाटर टू एवरी लैंड, हर खेती को पानी पहुंचाना, हर हाथ को काम देना, ये बहुत जरूरी है। इतना आबादी है देश में 130 करोड़ आबादी, इतना बाहुल्य है, इसलिए जब तक आप पूरा सब इलाके में पानी नहीं पहुंचाएंगे हर एक हाथ को काम देना संभव नहीं होगा।